हमने बैंक ऑफ पंजाब में ये फैसला किया हुआ है कि हम हर उस एफर्ट को सपोर्ट करेंगे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ज़रूरी हैं, जो बैंकिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, और जो हमारे लिए उस पोजीशन के लिए हेल्प करेगी जहां हम टॉप 5 बैंकों में आ जाएं द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसी सिलसिले में जिस तरह हम बाकी सारे नॉन कन्वेंशनल बिजनेस को जहां पर कमर्शियल बैंक जनरली शाय करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरह ही हमने ये तहिया किया हुआ है कि हम टूरिज्म इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करेंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की रीज़न्स बहुत सारे हैं, बट 2-3 रीज़न्स ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि ये हमारे मुल्क की प्रोफाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ऑफ फॉरेन करेंसी, ये उसके फ्लोज के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा ये कि ये हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा जरिया साबित हो सकता है। इसी सिलसिले में हम इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी भी एफर्ट्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर हों उन सबको सपोर्ट करें इन ऑल दीज नॉन कन्वेंशनल एक्टिविटीज़। इस सिलसिले में गवर्नमेंट की भी बहुत सपोर्ट इन लोगों को हासिल है, एंड इसी सिलसिले को आगे लेते हुए चलते हुए हमारा ये ख्याल है कि एज द पब्लिक सेक्टर बैंक वी शुड ऑल्सो सपोर्ट दैम, एंड वी आर हियर टूडे सपोर्टिंग इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल। ये सारी एफर्ट जो गवर्नमेंट की है इन प्रमोटिंग टूरिज्म, ये पिकअप नहीं कर सकती। दिस कैन गो ओनली दैट फार इफ द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट टेक द स्टेप फॉरवर्ड, एंड देयर फॉर वी थिंक दैट प्राइवेट सेक्टर शुड टेक द स्टेप फॉरवर्ड इन दिस सेक्टर, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट देम एंड होल्ड देयर हैंड, और उनको आगे लेके चलें जितना भी पॉसिबल हो सकता है। सो मेरी तरफ से मुबारकबाद टू इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल की पूरी टीम को फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, एंड बैंक ऑफ पंजाब will always be there for all such activities for the country. Thank you.